हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीत। मैं आज आप लोगों को कुछ फिटनेस वर्कआउट दिखाऊंगा जो आप लोग घर में कर सकते हैं। तो वही एक्सरसाइज मैं आपको अभी दिखाऊंगा और एक एक एक्सरसाइज 45 सेकंड तक करना है। उसके बाद एक एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद 30 सेकंड रेस्ट भी लेना है, ठीक है। एक एक्सरसाइज 45 सेकंड करने के बाद फिर 30 सेकंड रेस्ट लेना है, तो दूसरा एक्सरसाइज सही से करने के लिए, ठीक है। तो वही एक्सरसाइज मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ जो एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज में आप लोग घर में कर सकते हैं, है ना। तो मैं अभी दिखाऊंगा घर में कैसे कर सकते हैं आप। उससे पहले आप मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर भी कर देना ज़रूर, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ घर में कैसे आप वर्कआउट फिटनेस वर्कआउट कर सकते हैं। तो पहले वार्म अप कर लेना चाहिए। पहले जो वार्म अप आप लोग कैसे करोगे घर में, तो वार्म अप करने के लिए घर का दोनों तरफ में दो सामान रख दीजिए। इस तरफ मेरे पास है बॉल फुटबॉल, इस तरफ है वाटर बॉटल। तो दोनों तरफ आप कुछ भी रख दीजिए, आपका जो मर्जी आपके पास जो भी रहेगा वही रख दीजिए दोनों तरफ। इसके बाद उसके पास चाहिए बस एक तरफ जाके यहाँ पे खड़ा होके थोड़ा रनिंग करना है, बस कितना देर तक, 45 सेकंड तक रनिंग करना है। इसके बाद 30 सेकंड रेस्ट लेना है, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं, 45 सेकंड रनिंग करूँगा मैं, तो स्टार्ट। बस 45 सेकंड हो गया, इसके बाद 30 सेकंड रेस्ट लेना है। 30 सेकंड रेस्ट लेने के बाद दूसरा एक्सरसाइज मैं दिखा रहा हूँ, बस चलिए दूसरा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये भी एक एक्सरसाइज भी 45 सेकंड करना है, इसके बाद 30 सेकंड रेस्ट लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेरे साथ कैसे करते हैं। दूसरा एक्सरसाइज क्या है, ये एक्सरसाइज भी 45 सेकंड करना है। ये हो गया 45 सेकंड, इसके बाद 30 सेकंड रेस्ट लेना है। ये तीसरा एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज भी 45 सेकंड ही करना है, इसके बाद 30 सेकंड रेस्ट करना है। ये कमर को रोटेट करना, ठीक है। तो उल्टा घुमाना है, हाफ टाइम इस तरफ, फर्स्ट टाइम उस तरफ। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी 45 सेकंड होगा, इसके बाद 30 सेकंड रेस्ट करना है। सर फोर्थ एक्सरसाइज है अभी, कमर पकड़ के बस आगे आना है।
बॉडी को सीधा रखना है, पूरा आगे मत झुकाना है। फिर एक्सरसाइज करते हैं वही जो पहले सामने पर पैर कर रहा था, इसके बाद पीछे वाला मैं करने लगी। फिर 30 सेकंड रेस्ट लेना है, हर एक्सरसाइज के बाद 30 सेकंड रेस्ट लेना है। अभी दिखा रहा हूँ मैं 6 एक्सरसाइज, तो अभी तक पैर के लिए पैर का दिखा रहा था, लेग का, अभी जरूर हैंड का दिखाऊंगा, बस हैंड रोटेशन। बॉडी को पूरा सीधा रख के मुझे हैंड बनाना है, बस फ्रंट बैक दोनों तरफ करना है। इसके बाद दिखाऊंगा आपका ही हैंड का ही दिखाऊंगा, इसके बाद हैंड का ही दिखाऊंगा, बस ये 45 सेकंड करना है। इसके बाद भी 30 सेकंड रेस्ट करना है, तो मैं दिखा रहा हूँ उसके बाद क्या करोगे। ये भी हैंड के लिए है, तो सब इसे 30 सेकंड रेस्ट लेने के बाद करना है। इसके बाद फिर दिखाऊंगा हैंड रोटेशन, लेकिन वो होगा दोनों हैंड दोनों तरफ घूमेगा, एक तरफ नहीं, जिससे पहले दिखाया था एक ही तरफ घूम रहे दोनों हैंड, ये दिखाऊंगा दोनों हैंड दोनों तरफ घूमा। ये थोड़ा टफ है लेकिन इजी भी है, आप कोशिश करेंगे तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है चलिए शुरू करते हैं।
उसके बाद 30 सेकेंड रेस्ट लेना है। तो फिर अभी दिखाऊंगा लेग के लिए, ये थोड़ा इजी है, ये 45 सेकेंड करना है। फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट। ये हर एक्सरसाइज आप लोग घर में कर सकते हैं, बहुत इजी है। भी पकड़ भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। शोल्डर को हाथ को फोल्ड करके शोल्डर को रोटेशन करना, यही 45 सेकेंड करना। दोनों तरफ घुमाना है, फ्रंट बैक। इसके बाद मैं दिखाऊंगा टो में जैसे आप वॉकिंग कर सकते हैं, टो में वही घर में करेंगे। तो ये 45 सेकंड करना है टो वॉकिंग। हाथ से पहले ऊपर उठा, कमर भी रख सकते हैं, कमर में रखना ही वो थोड़ा इजी होगा आपके लिए। तो ये टो वॉक इसके बाद दिखाऊंगा, अभी तो दिखाया टो पे कैसे आप वॉकिंग करेंगे, इसके बाद दिखाऊंगा हिल पे आप कैसे वॉकिंग करेंगे। ये भी 45 सेकंड भी करना है, ठीक है। मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ हिल पे आप कैसे 45 सेकंड।
एक्सरसाइज करने का, हर एक एक्सरसाइज करने का 30 सेकंड का कोई वेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि बॉडी को रिकवरी होना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करते करते, तो दूसरा वाला एक्सरसाइज लेने में थोड़ा एनर्जी मिलता है, इसीलिए रिकवरी लेना बहुत ज़रूरी है। आप एक एक्सरसाइज 45 सेकंड कर रहे हैं ये ठीक है सही है, लेकिन इसके बाद 30 सेकंड रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरा उसके बाद वाला एक्सरसाइज और दूसरा वाला एक्सरसाइज जो करोगे वो करने में थोड़ा एनर्जी मिलता है, तो वो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ है लेकिन ये भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बॉडी का ब्रश ध्यान रखना है, पैर को आगे पीछे करना है। ये भी 45 सेकंड करना है, ये थोड़ा कष्टदायक है लेकिन ये भी धीरे धीरे करना है, धीरे करोगे अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद 30 सेकंड रेस्ट है, अभी देखा ये वाला। ऊपर उठाना, पैर को साइड में फिर आगे पीछे करना है, ये 45 सेकंड करना, इसके बाद 30 सेकंड रेस्ट है, इसके बाद कमान पकड़ के ये करना है। हाथ आगे भी रख सकते हैं, कमान भी रख सकते हैं, नीचे वाला पैर भी जमीन के साथ रहना है, और सिर्फ 45 सेकंड करना है धीरे धीरे। अभी दिखाऊंगा थोड़ा पुशअप, पुशअप भी 10-10 करके लगाना है आपको, हो सके तो 15 भी लगा सकते हो आप, लेकिन 3 सेट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, 10 से 15 मैं दिखा अभी 15 करके, आप 10 भी कर सकते हैं, ये 15 करके 3 सेट करना है। ठीक है, अभी 15 किया है मैंने, आप 10 भी कर सकते हैं, 15 नहीं कर सकते, और 20 भी कर सकते हैं, आपका ताकत होगा तो 20 कर लेगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी 45 सेकंड करना है। ये भी 45 सेकंड करना है, इसके बाद मैं दिखाऊंगा कुछ सिटअप्स और बेडी एक्सरसाइज।
ये बहुत इजी है। उसके बाद दिखाऊंगा और एक सिटअप क्रंचिंग, ये लास्ट एक्सरसाइज है आज का, क्रंचिंग दिखाऊंगा। ये 45 सेकंड तक करना है, पैर को फोल्ड करके हाथ बॉडी पे पूरा सीधा रखना है और अपने सर को आसमान की तरफ देखना है, तो हाथ ऊपर रखे ऐसे रखना है, ये 45 सेकंड ही करना है, ठीक है। जो एक्सरसाइज मैंने दिखाया पहले से लास्ट तक, फर्स्ट से लास्ट तक, वो एक्सरसाइज, वो सारे एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं, वो घर में फिटनेस कर लिए, ये सब एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। और ये सब एक्सरसाइज आप करोगे तो आप लोग तो बहुत अच्छा होगा, आप फिट बन सकते हैं, घर में रह के थोड़ा हेल्दी रह सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज दिखाया। और ये सारे एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, आप हर रोज़ करेंगे तो बहुत फिट बन जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा, पर शायद भी सही रहेगा। तो मेरा ये एक्सरसाइज अच्छा लगे तो हर रोज़ करना, और एक्सरसाइज अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और इसके साथ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।